हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि वेज पुलाव क्विकली कैसे बना सकते हैं कुकर में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे गैस है, गैस पे मैंने कुकर चढ़ा रखा है ऑलरेडी। ये हमारा कुकर हीट हो रहा है। अब हम इसमें डालेंगे ऑयल। इतना काफी है। ऑयल थोड़ा हीट होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे अनियंस। हम ऑनियंस को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हम इसमें डालेंगे आलू ताकि ये साथ में अच्छे से फ्राई हो जाए। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आलू और प्याज अच्छे से भुन चुके हैं। तो हम अब इसमें ऐड करेंगे ड्राई मसाला। इसमें मैंने लिए हैं नमक, हल्दी, कुछ लौंग, 3-4 लौंग होंगे, और बिरयानी मसाला लिया है, या फिर आप पुलाव मसाला भी ऐड कर सकते हो। तो ये मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब हम इनको भूनेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक, लहसुन और मिर्ची का पेस्ट। ये मैंने मिक्सर में पीस लिए थे। इसमें 1/2 इंच अदरक है, 7 से 8 कलियां लहसुन की और 3 मिर्ची। अब हम इसमें अपने डालेंगे वेजिटेबल्स। यहाँ पे मैंने लिए हैं कुछ गोभी, कैरेट्स और ये पीस, तो हम इसमें डाल देंगे।
अच्छे से मिला लीजिए। तो अब हम इसमें डालेंगे चावल, ये दो लगभग 2 कप के आसपास चावल है, बासमती चावल जो मैंने आधे घंटे पहले भिगो के रख दिए थे। अब मैं इसमें डालती हूँ। अभी इस बर्तन में जो चावल बचे थे उसमें पानी डालेंगे हम, लगभग 2.5 से 3 कप के आसपास पानी डालेंगे। जितना चावल है उससे थोड़ा ज्यादा पानी डालेंगे। तो यहाँ पर हमने पानी अच्छे से ऐड कर लिया है। आप बासमती चावल बनाते हुए कोशिश करना कि पानी इतना डाले कि सिर्फ चावल ढक के थोड़ा पानी ऊपर रह जाए। तो इसके बाद हम यहाँ डालेंगे कटी हुई धनिया, और हल्का सा खटास लाने के लिए हम नींबू डालेंगे। और नींबू डालने से अपने चावल अच्छे हल्के निकलेंगे, एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं, फूले फूले निकलेंगे। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है। पानी थोड़ा और डालना चाहिए, तो यहाँ पे पानी डाल दिया हूँ मैंने। हाँ, अपने चावल अच्छे से ढक गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे और एक चीज, मैं घी हमेशा ऐड करती हूँ ताकि खाने का स्वाद बढ़ जाए। तो यहाँ पे घी ऐड करना, तो यहाँ पे घी ऐड करते हैं। घी खत्म हो गया था तो ऑलमोस्ट 1 चम्मच के आसपास, 1-2 चम्मच के आसपास घी है ये। तो हाँ, अच्छे से मिला लीजिए, एक बार टेस्ट जरूर कर लीजिएगा कि नमक बराबर है या नहीं। तो चलो अब ढक दीजिए। तो चलो अब हम कुकर को ढक लेते हैं। वेट करते हैं विसल का। मीडियम फ्लेम में 3 से 4 सीटियां हो चुकी है। चलो अब हम इसे बंद करेंगे। अब देखेंगे, मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 सीटी होने के बाद हम चलो अब कुकर खोलते हैं।
देखिए अपना पुलाव अच्छे से बन चुका है। चलो हम निकालते हैं। इसको हम सर्व करते हैं सलाद के साथ।